नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल साग फ्राई। लाल साग को लाल चौलाई, लाल भाजी भी बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही इसमें आयरन है, भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए हम इस हेल्दी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल जो है लाल साग, लाल चौलाई। इसे अच्छी तरह से मैंने साफ करके पानी से धोकर इस तरह से कट कर ली हूँ। साथ ही इसमें हमें चाहिए तड़के के लिए, हम फ्राई करेंगे इसलिए हमको ज़्यादा कोई मसाले की आवश्यकता नहीं है। 3 हरी मिर्च, इसे इस तरह से लंबे स्लाइस में मैंने काट ली हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च जो है, सूखी लाल मिर्च भी इसकी जगह उपयोग कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ जो है लहसुन, 1 छोटा चम्मच या नींबू का रस या 1 छोटा नींबू का रस जो है, ये मैंने 1 छोटा नींबू काट के रखी हूँ। साथ ही 1 बड़ा चम्मच तेल और 2 बड़ा चम्मच जो है इस तरह से दरदरा जो है रोस्टेड मूंगफली। आइए अब हम लाल साग फ्राई बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन करके इसके ऊपर एक नॉनस्टिक पैन रख ली हूँ और जो है इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर इसे गर्म कर ली हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले जो है, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है इसीलिए जो है, और इसमें हम मिर्च भी डाल देंगे। और मिर्च डालने के बाद ये हल्का सा जो है इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम ये लाल साग डाल देंगे। पूरा लाल साग जो है इसमें हम इसे डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद जो है ये जो है इस तरह से जो है कम हो जाएगा। ये इस तरह से हम इसे मिलाएंगे और इसमें मैं जो है नमक डाल देती हूँ। इसमें 1/2 छोटा चम्मच जो है मैं इसमें नमक डालूंगी। अधिक नमक जो है, साग जब बनाते हैं उसमें नमक जो है ज़्यादा नहीं डालते, नहीं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है और नमकीन हो जाता है। इसलिए जो है इसमें 1/2 छोटा चम्मच मैं नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए ये बिल्कुल जो है थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि हम इसे फ्राई कर रहे हैं, इसमें आलू भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ फ्राई की रेसिपी है ये। अब जो है इसे मैं ढककर जो है 2 से 3 मिनट तक जो है इसे पका लूँगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। आइए अब ढक्कन खोलकर हम देखते हैं कि लाल साग हमारा फ्राई हो चुका है और पक गया है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा लाल साग जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए तेल जो है ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें, ये पकने के बाद बहुत थोड़ा हो जाता है, इसमें 2 जो है बड़ा चम्मच ये दरदरा रोस्टेड जो है कूटा हुआ जो है मूँगफली का जो है बीज हम इसमें डाल देंगे। इसे ये फ्राई करने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। ये देखिए, और अच्छे से मिला लेंगे इसे। आप इसे जो है रोटी जो है, पराठा, चावल इसके साथ जो है सर्व कर सकते हैं। ये हमारी जो है रेसिपी जो है बनकर जो है ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से तेल जो है ऊपर इसके आ गया है, फिर इस पैन के किनारे जो है आ गया। ये बहुत अच्छा जो है और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। आप जो है इस रेसिपी को अवश्य ट्राई कीजिए। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें मैं नींबू का रस डाल दूंगी, इससे जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच जो है नींबू का रस आप इसमें डालिए। अच्छे से हम मिला लेंगे, पहले नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं इसे हटा लेती हूँ और अब हम इसको मैं डिश आउट कर लेते हैं। इसको ये डिश आउट कर लेंगे और मैं इसको निकाल कर
लाल साग फ्राई बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट जो है रखी हूँ, अवश्य विजिट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।